छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता व दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया, जो कि आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई थी। मामले पर अगली सुनवाई अब आगामी 26 फरवरी को होगी। पूरा मामला 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी। इसमें 7 नवंबर को पहले और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जारी था। नोटिस में सारा चीज दर्शाया गया है और सारा स्पष्ट है। पूर्व में भी हमने शिकायत की थी यहाँ चुनाव आयोग से, दुर्ग में की थी, फिर हम रायपुर में जाके किए रीना बाबा कंगाले जी से, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद ऐसा लगा कि उस समय इन नेताओं के प्रभाव में थे ये लोग, और उसके कारण हमको न्यायालय का शरण लेना पड़ा और उनको नोटिस सर्व है। साइलेंट पीरियड में 17 तारीख कोर्टिंग थी और 15 तारीख को साइलेंट पीरियड शुरू हो गया और 16 तारीख को ये ढोल धमाकों के साथ पूरे बाजे गाजे के साथ नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल जी पूरे जुलूस के साथ ये जनसंपर्क कर रहे थे, जो कि धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इनका जो जो प्रत्याशी है वो ही खारिज होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिपापोती की गई। पूरे प्रमाण के साथ हम मोबाइल में जो वहाँ पे तत्काल में स्थित थे लोग थे, हमारे साथी गण थे, हमारे युवा मोर्चा के कुछ लड़के थे, वो लोग मोबाइल में वीडियो बनाए हैं और वो सबसे बड़ा प्रमाण वो है। कार्रवाई क्या है, जो नियम है उसमें कार्रवाई होना चाहिए। उसका जो जो विधायक जो अभी उनको सर्टिफिकेट मिला है वो खारिज होना चाहिए और उनको सजा भी होनी चाहिए। जो नियम है, जो कानून में लिखा है वो होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।